लोगों के माइक भी कनेक्ट हो। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का सेशन जो था वो इंस्टाग्राम स्टोरी पर हम लोग कैसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं उसके बारे में है। इंस्टाग्राम पे जैसे आप लोग देखते ही हो कि हम लोग अपने अचीवमेंट के पोस्टर बनाते हैं कि 5,000 क्रॉस, 20,000 क्रॉस, 25,000 क्रॉस, या फिर उसके बाद हम लोग वन पेयर मैच का हम लोग वहां पर पोस्टर बनाते हैं। बहुत सारे हम लोग पोस्टर्स बनाते हैं, आप लोग देखते हैं रेगुलर बेस पे पोस्टर्स शेयर होते हैं। तो वो पोस्टर हम कैसे बनाते हैं, एक तो कैनवा से बनाते हैं, दूसरा इनशॉट से बनाते हैं, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ से हम लोग अपनी क्रिएटिविटी करते हैं। बट आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो इंस्टाग्राम स्टोरी का मैं बताने वाली हूँ कि इंस्टाग्राम स्टोरी से आप कैसे अलग क्रिएटिविटी करके, इंस्टाग्राम के सारे फीचर्स यूज करके कितनी अच्छे से आप अपना जो है पोस्टर बना सकते हो, अचीवमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। किसी को कहीं पर भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बता देना, और अगर मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ तो आप लोग फटाफट आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, क्लियर है स्क्रीन, ओके वॉइस भी एकदम क्लियर है आपकी। ओके, तो पहले तो हम लोग जाएंगे इंस्टाग्राम पर। ठीक है, ये आ गए हम इंस्टाग्राम पर। अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ होम पेज पर जाएंगे। देन इसके बाद आप देखिए टॉप पर, लेफ्ट साइड में टॉप पर योर स्टोरी का एक ऑप्शन आ रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ कैमरे का ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए डबल ए का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। पहले तो आपको पीछे का बैकग्राउंड आपको कैसे रखना है वो आप देख लो, आपको कौन सा कलर वहां पर सिलेक्ट करना है। कलर सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे देखो राइट साइड में बॉटम में एक कलर बॉक्स दिख रहा होगा, जो येलो कलर यहाँ पर है सेम यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं इस पर से लॉन्ग प्रेस करती हूँ ना, ये देखो यहाँ पे कलर्स के सर्कल आ गए, मैं जहां जहां पर एरो घुमाऊंगी ना ये वहां पर वो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे भी फॉर एग्जाम्पल मैंने, या तो मैं नॉर्मली ब्लैक ले लेती हूँ, अगर आपको नॉर्मली ब्लैक लेना है या फिर नॉर्मल कलर्स लेने हैं तो ये सर्कल पे आपको क्लिक करना है, तो ये अपने आप यहाँ पर देखो कलर्स चेंज होंगे, रेडियंट्स में भी आ जाएंगे, सिंपल में भी आ जाएंगे। ये देखो ये ऐसे ग्रीन हो रहा है, मल्टी कलर। ठीक है, सपोज मुझे ब्लैक चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया। कलर मैंने कहाँ से लिया है, कैमरे पे जाके मैंने डबल ए वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था जहां पर मेरे को ये स्क्रीन आई थी। यहाँ पर जाके मैंने राइट साइड नीचे बॉटम पे देखो एक सर्कल है, ठीक है, उस पर मैंने क्लिक किया है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर आ गया। अब मुझे यहाँ पर इमेजेस चाहिए, अचीवमेंट मुझे बनाना है तो जाहिर सी बात है मुझे इमेजेस चाहिए, तो मैं अपनी फोटो और अपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेती हूँ। कैसे लूंगी मैं, गैलरी में जाना होगा मुझे। गैलरी में जाने के लिए मुझे यहाँ पर देखो ऊपर स्माइली बॉक्स जो है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। स्माइली वाले बॉक्स पर जब भी आप जाओगे बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो यहाँ पर आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो, यहाँ पर क्विज आप कर सकते हो, लिंक ऐड कर सकते हो, अपना हैशटैग डाल सकते हो। अब मुझे गैलरी में जाना है क्योंकि मुझे पिक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर देखो ये प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पर, इस पर मैं क्लिक करूंगी तो इससे मैं डायरेक्टली अपनी गैलरी में चली जाती हूँ। यहाँ से मैंने एक अपनी फोटो ले ली, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। छोटा आप कैसे करोगे, जैसे अपने गैलरीज की फोटो आप जूम इन जूम आउट कैसे करते हो, अंदर की साइड करते हो तो छोटी हो जाती है, ऊपर की साइड करते हो तो ऐसे बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आपको जूम इन जूम आउट करना है। फिर से एक और पिक्चर ले लेती हूँ मैं, ये मेरा अचीवमेंट का मैं ले लेती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप इंफिनिटी का लोगो ले लो, एसपी लोगो ले लो डी ड्रीम का। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये एसपी लोगो हो गया। देन इसके बाद एक और आप इन्फिनिटी का लोगो ले लो, ये हो गया इन्फिनिटी का लोगो। अब आपको इन चीजों को सेट करना है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये जो फ्रेम लिया है, मैंने अपनी जो पिक ली है वो रेक्टेंगल शेप में, अगर मुझे इसको सर्कल में चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगी इसकी शेप चेंज करने के लिए मैं अपने ही पिक पर क्लिक करूंगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगी देखो
ये सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल में बैठ नहीं रहा है तो मैं जैसा है वैसे ही रखूंगी इसको, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया। देन इसके बाद ये वाला लोगो आप यहाँ पर सेट कर दो थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है। ये वाला मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। आप जिस भी आपको पिक को मूव करना है ना, उस पर आप प्रेस करो और उसको मूव कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पिक जो मैंने लिया, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ छोटा कर देती हूँ, ठीक है। मैं दो तीन स्टाइल्स आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एक ये हो गया। अगर अभी यहाँ पर आपको कुछ लिखना है तो लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो डबल ए वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आपको राइटिंग के ऑप्शन आ गए, और यहाँ पर नीचे आप देखो बहुत सारे यहाँ पर फॉन्ट आ गए, ठीक है। आप कोई भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये नॉर्मल वाला ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डी ड्रीम टीम इंफिनिटी, ठीक है। डी ड्रीम टीम इंफिनिटी। मुझे अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड देखो ब्लैक आ रहा है, ठीक है, मुझे अगर बैकग्राउंड चेंज करना है कलर, तो मैं यहाँ कलर वाले ऑप्शन में चली जाती हूँ। देखो यहाँ कलर वाले ऑप्शन में चली जाती हूँ। यहाँ से आप बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हो, और आप चाहो तो ये जो मैंने लिखा है डी ड्रीम टीम इंफिनिटी, इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डी ड्रीम को ऐसे लॉन्ग प्रेस किया, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं कलर वाले ऑप्शन में गई, यहाँ पे मैंने इसको येलो कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद मैं इन्फिनिटी पे गई, इन्फिनिटी को लॉन्ग प्रेस मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ, ठीक है। देखो पहले जो था पूरा व्हाइट कलर में था, ठीक है, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, ठीक है। बट आप किसी चीज को कलर से खेलते हो ना, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें मैंने कलर फिल कर दिया, ठीक है। तो इसको आप, इसको जहां पर भी आपको मूव करना है ना, आप बस इसके ऊपर प्रेस करो, और इसको आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो। अगर आपको इसको बड़ा करना है, तो आपको जैसे जूम इन जूम आउट करते हो वैसे आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लगा दिया। ओके, इतना समझ में आया? और भी कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन लैख 35K क्रॉस क्रॉस, ठीक है, ओनली पॉसिबल इन गिविंग। इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऐसे आपने लिखा। अब इसको भी आपको अगर कलर करना है, ठीक है, यहाँ पर देखो आप है ना, इसके वो जो लाइंस होते हैं वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे देखो ये पूरा लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर कलर के लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर जैसे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो इसके पैटर्न चेंज होंगे। देखो ये राइट साइड में आ गया पूरा, अब ये सेंटर में आ गया, ठीक है। तो जैसे आपको रखना है आप यहाँ पर रख सकते हो। बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर ए के ऊपर देखो दो स्टार है, इस पर आप क्लिक करो, ये देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है, विदाउट बैकग्राउंड, ये ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ये व्हाइट है, इसको अगर मुझे कलर फील करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर फील कर सकते हो, लेकिन कलर देख के आप फील करना, ये नहीं कि कुछ अलग ही लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ग्रीन ले लिया, क्रॉस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, ऐसे। फिर ये मैंने पॉसिबल पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन है, आप कुछ भी ले लो यहाँ से, ठीक है। ये मैं अभी ऐसी बना दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। आपको बस वर्ड पे क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है और कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे वो आ जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे आ गया। इसको अगर थोड़ा सा आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हो। इसका अगर फॉन्ट आपको चेंज करना है तो आप फॉन्ट भी इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर डन कर दो, देखो टॉप राइट कॉर्नर पे डन का ऑप्शन है, इसको आप डन कर दो, ठीक है। आपको इसमें अगर आपको देखो बैकग्राउंड अगर लाना है, बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड
आपको फिर से इसी पर क्लिक करना पड़ेगा, और ये ए और डबल स्टार, देखो ये बैकग्राउंड आ गया, ठीक है, ये पूरा सिंपल हो गया फिर से। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसे बैकग्राउंड आ गया, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, हाँ समर कलर वाला एक बार दोबारा से बता देना, मैसेज हाँ आया हाँ है। बता दो, हाँ बता दो, 1,25,000 प्राइस, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मैं इसमें बता रही हूँ, ओनली पॉसिबल इन डी ड्रीम, ठीक है। और नीचे आप लिख सकते हो इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये आपने लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब आपको इसमें कलर फिल करना है, तो कलर फिल करने के लिए यहाँ पर देखो टॉप पर एक सर्कल है जिसमें कलर पूरे भरे हुए हैं, उस पर आप क्लिक कर दो, देखो नीचे सारे कलर्स के ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब यहाँ से आपको अगर कलर फिल करना है तो जो भी लेटर पे, जो भी वर्ड पे आपको कलर फिल करना है उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लैक पर कलर करना है, तो मैंने लैक को लॉन्ग प्रेस किया, देखो सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको येलो कर देती हूँ, ठीक हो, ठीक है, कलर पे सिलेक्ट कर दिया, देखो लैक जो है वो येलो में हो गया। अब ये क्रॉस बार मैं क्लिक कर देती हूँ, ठीक है, इस पर मैं ग्रीन लगा देती हूँ, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद मैं पॉसिबल, ओनली पॉसिबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ओनली पॉसिबल दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप चाहो तो ये पर्पल लगा लो, आप देख लेना कौन सा कलर सूटेबल है, ठीक है। ये देखो फिर से ये प्लेटफॉर्म पे मैंने सिलेक्ट किया बेस्ट प्लेटफॉर्म, इस पे मैं ये लगा देती हूँ, ठीक है, इसको डन कर दिया, मिडिल में कर दिया, ठीक है। बैकग्राउंड ले लेती हूँ, ओ पहले बैकग्राउंड लेना था, मैंने बाद में ले लिया। बैकग्राउंड आप पहले ही ले लिया करना, नहीं तो फिर यही प्रॉब्लम होता है। फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा इसका, समझ में आया जिसको भी डाउट था, नहीं समझा तो एक बार और चैट बॉक्स में बता दो, मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे पहले जो था पूरा सिंपल था, मूव नहीं हो रहे थे लेटर्स, तो मैंने मूव कैसे कराया, यहाँ पर एक ये ऊपर दो स्टार है, उसके बाजू में देखो वापस से ए आया है, उस पर मैंने क्लिक किया तब जाके ये मूव हुआ है, ठीक है। आप अलग अलग फॉन्ट में जाओगे तो अलग अलग स्टाइल में वो मूव होगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे इसको ऐसे ही रखना है, तो मैंने इसको डन कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इसे थोड़ा सा क्रॉस कर लेती हूँ, इसको ऐसे नीचे सेट कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। इसके अलावा आपको अगर जैसे हाईलाइट करना है मुझे अपना नाम, तो वही स्माइली वाले बॉक्स पर मैं गई और यहाँ पर मैंने टाइप किया हाईलाइटर, ठीक है। यहाँ पर आप जो टाइप करोगे ना आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने हाइलाइटर टाइप किया, देखो यहाँ पर मुझे एक पेन मिल गया, यहाँ पर मैंने इसको अपने नाम पर सेट कर दिया, ठीक है, ये मेरे नाम पर सेट कर दिया। अब मुझे अपने इनकम को हाईलाइट करना है, तो मैं एक सर्कल लेना चाहती हूँ, तो सेम प्रोसेस है, स्माइली वाले बॉक्स पर मैं गई और यहाँ पर मैंने इसको हटा के यहाँ पर सर्कल टाइप किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना, बहुत सारे आपको अलग अलग पैटर्न में सर्कल आ गए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया अंदर की तरफ लेके, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको अगर कुछ और लेना है जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट,
विमेन एम्पावरमेंट आप सिलेक्ट करते हो तो देखो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आपको पिक्स आ जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये ले लो, विमेन ऑन मिशन। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लो, इसको आप कहीं पर सेट कर दो, यहाँ पर आप चाहिए तो सेट कर दो। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर क्लैपिंग का इमेज ले सकते हो, उसके लिए यहाँ पर आपको क्लैप टाइप करना है। ठीक है, क्लैपिंग, तो यहाँ पर क्लैपिंग की इमेजेस आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया, ऐसे जो आपको लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो फीचर्स। अभी मैं एक और पोस्टर आप लोगों को बताने वाली हूँ, उसमें मैं आपको और चीजें बताऊंगी। ठीक है, अब ये हो गया, पोस्टर मेरा तैयार हो गया है। ठीक है, ये मेरा कलर वाला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, वो मैं बता दूंगी बाद में नेक्स्ट पोस्टर में। ठीक है, तो हो गया मेरा, मैंने लोगो भी ऐड कर दिया है, फोटो भी ऐड कर दिया, स्क्रीनशॉट भी अचीवमेंट का ऐड कर दिया, और कुछ थोड़ी बहुत चीजें भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये पूरा खाली खाली लग रहा है। ठीक है, अब इसमें मुझे म्यूजिक ऐड करना है, क्योंकि जब तक आप म्यूजिक ऐड नहीं करोगे ना तो आपका पोस्टर अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो अगर म्यूजिक ऐड करना है आपको, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए सेम स्माइली बॉक्स पर आपको जाना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है म्यूजिक। देखो म्यूजिक का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक आ गए हैं, तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में आप टाइप करो मोटिवेशनल सॉन्ग या फिर मोटिवेशनल टून। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशनल सॉन्ग्स मैं सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अगर आपको टेस्ट करना है कि मतलब कौन सा सॉन्ग आपको चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखो प्ले बटन है राइट साइड में सबके, तो वहां पर आप कर सकते हो। अगर सिलेक्ट करना है तो बीच में कहीं पर भी आप सिलेक्ट कर लो, वो सॉन्ग सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे आप प्ले करके देख सकते हो, ये सर्कल पे क्लिक करके। फॉर एग्जाम्पल मुझे यही अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसी पर मिडल पे क्लिक कर दूंगी, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको शेयर कर दूंगी। शेयर करने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पर राइट साइड में नीचे देखो एक एरो है, उस पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगी। ठीक है, डन, ये चला गया है स्टोरी। थोड़ी देर में अभी अपलोड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब हमें क्या करना है, स्टोरी तो अपलोड हो गई है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपने डाल दिया है। अब आपको चाहिए कि आप इसको ग्रुप में भी शेयर करो, तो आप ग्रुप में कैसे शेयर करोगे इसको, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वही डाउनलोड आप डायरेक्टली यहीं से करोगे स्टोरी से, तो वो म्यूजिक के साथ डाउनलोड नहीं होगा, सिर्फ वहां पर स्क्रीन उसकी डाउनलोड हो जाएगी। जो वीडियो आपने किया है ओनली वीडियो आएगा, बट उसमें कोई म्यूजिक नहीं आएगा। ठीक है, तो म्यूजिक के साथ अगर आपको डाउनलोड करना है तो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ, फिर इसके बाद एक और पोस्टर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ। क्लियर है तो जरा चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दो। ये देखो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी लिंक कॉपी करनी है। यहाँ पर देखो नीचे की तरफ थ्री डॉट्स है राइट साइड में, इस पर मैं क्लिक करूंगी। देखो यहाँ पर सेव वीडियो का ऑप्शन तो है, बट अगर आप सेव करोगे ना तो वो सिर्फ वीडियो ही डाउनलोड होगा, म्यूजिक नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो क्या करो, इसमें कॉपी लिंक कर दो। ठीक है, आप जाओ अपने क्रोम पर। ठीक है, ये आप गए अपने क्रोम पर। ठीक है, यहाँ पर न्यू टैब ले लिया है। क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर आप स्टोरी सेवर इंस्टाग्राम, ठीक है, स्टोरी सेवर इंस्टाग्राम ये आप टाइप करना। यहाँ पर देखो ही ऑप्शन आएगा स्टोरी सेवर डॉट नेट का। ठीक है, ये पहली लिंक आपको आ रही है यहाँ पर वेबसाइट, इस पर आप क्लिक करो। थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे आओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका यूजर नेम बताया मांगा जा रहा है, यानी कि आपका इंस्टाग्राम का जो नाम होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का नाम डाल दिया। एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम अभी वर्क नहीं कर रहा, तो मैंने अपने बेबी के इंस्टाग्राम पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर करके डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, यूजर नेम मैंने डाल दिया, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, आई एम नॉट अ रोबोट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो डाउनलोड हो रहा है मेरा स्टोरी। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आओ, ये देखो ये मेरी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो रही है।
एक स्टोरी मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, वो बता रहा है, ये देखो यही वाली स्टोरी थी जो मैंने अपलोड किया था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, सेव एज वीडियो कर सकती हूँ, या तो फिर यहाँ पर थ्री डॉट्स का एक ऑप्शन आ रहा है उस पर मैं क्लिक करूंगी, और यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है उस पर मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, ये देखो फाइल यहाँ पर जो है डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकती हूँ। ओके, एक तो ये था, और इसके अलावा जैसे अगर इस वेबसाइट से नहीं हो रहा है ना, तो आप क्या करो, नीचे देखो दूसरा एक वेबसाइट है, इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर, इस पर आप क्लिक करो। ऑलरेडी मैंने वहां से लिंक कॉपी किया था, आपको याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप उसका यूआरएल डाल दो, वो लिंक जो है वो यहाँ पर डाल दो, सॉरी यहाँ पर डाल दो। ठीक है, इसको लॉन्ग प्रेस करो, ऐसे पेस्ट कर दो ये डाउनलोड। ठीक है, इसको क्लोज कर दो, ये देखो यहाँ पर आ गया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे स्टोरी सेवर डॉट नेट पे जो मैंने आपको बताया है, अभी मैं अगर दूसरी स्टोरी वहां पर अपलोड करूंगी तुरंत का तुरंत, और मैं आऊंगी स्टोरी सेवर डॉट नेट पर, तो वो वहां पर अपलोड नहीं हुई होगी, वो थोड़ा टाइम लेगा। तो आप क्या करना, वहां से अपनी लिंक कॉपी कर लेना स्टोरी की, और यहाँ पर आके उसको आप यहाँ पर डाउनलोड करें। देखो डाउनलोड वीडियो का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। आया आपको समझ में, आपको स्टोरी कैसे क्रिएट करना है, उसको डाउनलोड कैसे करना है? अब मैं एक बार आपको व्हाट्सएप पे शेयर करके बताती हूँ, आप व्हाट्सएप पे कैसे शेयर करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप है, ठीक है, इसमें गई, गैलरी में गई, देखो ये गैलरी में आ गया है और म्यूजिक के साथ आया है, ये देखो। ठीक है, इसको मैंने ऐसे शेयर कर दिया। ठीक है, देखो ये शेयर हो गया है। ओके, आया समझ में? किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे बताइए, किसी को कुछ डाउट है चैट बॉक्स में बताइए, रिप्लाई कीजिए प्लीज। अगर क्लियर हो गया है तो आप क्लियर टाइप कर सकते हो। गाइस, मैसेजिंग के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आप मैसेज कर सकते हो। मैम मैसेजेस दिख रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट, मैं आपको मैं देख लेती हूँ एक बार, हाँ क्योंकि हाँ अब मैं अगर होस्ट बनाऊंगी तो मे बी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। आपका नहीं, हो गया सारा चलेगा, स्टोरी का, क्या कुछ और रह गया है? हो गया है मैम। एक और मैं बता रही थी, इसमें थोड़ा लिंक सा अटैच अलग थोड़ा करना और बता रही। बता दो, जैसे फॉर मार्केटिंग जब आप कोई पोस्टर बनाते हो, आपको ऑडियंस को कनेक्ट करना है, तो आपका हाँ व्हाट्सएप हाँ लिंक वहां कैसे डालते हैं ना, वो बता दो हाँ 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 स्टोरी मैं में। बता देती हूँ मैम। बाकी चैट में मैं देख लेती हूँ एक बार। हाँ, चैट में प्लीज देखिए। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इस लिंक से कैसे ज्वाइन करना है गाइस, आप लोग ये भी समझ लो। आप ना पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया करो, जब ये लिंक आता है ना तो आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया करो। रजिस्ट्रेशन में आपसे वो गूगल से कनेक्ट करवाएगा, जैसे जूम मीटिंग में आप नॉर्मल, ये जूम मीटिंग ही है बट इसमें ये पेड बेसिस है, इसीलिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। मतलब हमने पेड किया है, आपको कुछ पे नहीं करना है। तो इसमें आप गूगल से कनेक्ट करोगे, जीमेल आईडी पासवर्ड डालोगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो जब टाइम, जो भी ट्रेनिंग का टाइम है, उस टाइम पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास फिर नीचे बटन आएगा ज्वाइन नाउ का। ज्वाइन नाउ पे बस आपको क्लिक करना है, फिर आप मीटिंग में आ जाओगे। ठीक है, तो हमेशा रजिस्ट्रेशन पहले करके रख लो, जैसे ही लिंक आता है ना आपको रजिस्ट्रेशन करके रख लेना है। क्लियर? स्क्रीन अभी बंद कर दी है डियर, इसलिए नहीं आ रही। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं स्टोरी? देखो यहाँ पे समर ने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। अब नाउ यू हैव टू प्ले विद द ऑल कलर्स, बटन्स, फीचर्स। जब जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप जाओगे अंदर अंदर देखोगे उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उतना अच्छा अच्छा आप क्रिएटिविटी बना पाओगे। तो बेसिक चीजें आपको बता दी है, बाकी आप खुद से ट्राई करो, खुद से देखो कैसे और क्या आप एड ऑन कर सकते हो, क्या चीजें, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप डेली
एक स्टोरी जरूर बनाओ अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, उसको प्रमोट करो इंस्टाग्राम पे। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्रिएटिविटी भी आपकी आएगी, और आपका जो रीच है ना इंस्टाग्राम का वो भी बढ़ेगा। अगर आप डेली एक स्टोरी डालते हो गिविंग टाइम पे, अच्छे टाइम पे, तो आपका इंस्टाग्राम का रीच भी बढ़ता है, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस करो उस पर, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड के लिए समर ने आपको बताया ना, आप गूगल पर स्टोरी सेवर डॉट नेट डालना, वहां से वो लिंक पे क्लिक करोगे आप तो सीधे आप वहां पे पहुंच जाओगे। और लिंक एक बार ये और दोबारा से बता देना, डाउनलोड वाला समर आप हाँ मैम, हाँ बताती हूँ, ठीक है मैम बताओ। मैं और एक दूसरा पोस्टर एक मैं बताने वाली थी। हाँ बता दो, दूसरा बता दो। ओके स्क्रीन शेयर कर लूँ? भाई हाँ, रजिस्ट्रेशन आपको बार तुमको बार कोई देखो, डाउट है? रजिस्ट आपके पास जो भी लिंक आएगा ना मीटिंग का, ट्रेनिंग का, आपको रजिस्ट्रेशन बार बार करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये भी मैं दूसरा पोस्टर आपको थोड़ा सा अलग, अगर आप हो तो वैसे भी अपने पोस्टर बना सकते हो। तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, सेम आपको योर स्टोरी पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करो, ऐड टू योर। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर से कैमरे का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो। हेलो फॉर एग्जांपल आप येलो ले रहे हो, ठीक है, येलो कलर ले लिया। येलो कलर लेने के बाद आप अपने लोगोस ले लो और पिक्स ले लो और सेट करो। तो गैलरी में जाने के लिए मैंने बताया, ये जो स्मार्ट बॉक्स पर आपको करना है, ठीक समन है, आपका थोड़ा सा यहाँ वॉइस क्लिक ब्रेक करने हो रहा के है। बाद एक पहले आप कहाँ पे थे, वहीं पे ही देना, वहां से ही आ रही थी। हाँ यहीं पर थी, अब है क्लियर मैम? हाँ ओके ठीक है, तो स्माइली बॉक्स पर मैं जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं पहले तो लेती हूँ। ब्रेक हो रहा है समर आपका वॉइस। अभी ब्रेक हो रहा है, ठीक हाँ ब्रेक हो रहा है आपका, है, पहले तो सही प्रॉब्लम आ रहा तो था। रहती होगी। अब देखिए मैम, अभी हाँ अभी सही है। ओके ठीक है, ये मैंने फोटो ले ली गई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, फिर से स्माइली बॉक्स पर मैं गई, अचीवमेंट ले लेती हूँ, थोड़ा सा इसको भी छोटा कर देती हूँ, बाद में अरेंज करूंगी। ठीक है, पहले मैं सारी चीजें अरेंज कर लेती हूँ। आप सारी चीजें अरेंज कर लिया करो, पहले ले लिया करो, सिलेक्ट कर लिया करो, फिर बाद में अरेंज करना। ठीक है, स्माइली बॉक्स पर जाके फिर एसपी का लोगो, ठीक है, ये ले लिया आपने। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा मैं भी यहाँ सेट कर देती हूँ। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी ये पूरा जो पीछे का बैकग्राउंड है बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको अगर यहाँ पर कुछ बॉर्डर्स वगैरह ऐड करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल येलो कलर मैंने लिया, येलो के ऊपर ब्लैक बहुत ज्यादा सूट करेगा, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ब्लैक बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर मीन्स क्या, अभी मैं बताती हूँ आपको। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो यहाँ पर डबल ए का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट कर देती हूँ, डॉट डॉट लिखा मैंने, डॉट के बाद मैं यहाँ पर स्पेस कर देती हूँ। ऐसे क्या किया मैंने, डबल ए वाले ऑप्शन पे गई और मैं जैसे वर्ड लिखती हूँ ना, तो वर्ड नहीं लिखा मैंने, सिर्फ डॉट लिखा, डॉट लिखा और मैंने ऐसे स्पेस दिया। ठीक है, ये मैंने ऐसे स्पेस दे दिया, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लंबा दे देती हूँ। ठीक है,
अब मुझे इसको ब्लैक कलर करना है, ठीक है, ये जो व्हाइट है इसको मुझे ब्लैक कलर करना है, तो मैं क्या करूंगी, कलर वाले ऑप्शन पर आऊंगी, ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक कलर पे सिलेक्ट करूंगी। ये देखो ये ब्लैक हो गया। अब ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे डन लिखा है, डन कर लूंगी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टच करके स्क्रॉल करूंगी, थोड़ा सा टेढ़ा करूंगी, मुझे बॉर्डर बनाना था एक साइड में, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर बॉर्डर ऐसे बड़ा कर दिया और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाती हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर मैं लेके आ गई। इसको और थोड़ा छोटा करना है तो मैं ऐसे थोड़ा स्लाइड कर देती हूँ, इसको मूव कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे छोटा कर दिया, ठीक है। देखो पहले पूरा प्लेन था, अब मैंने क्या किया, येलो कलर लिया, उसके ऊपर मैंने एक ब्लैक कलर का बॉर्डर डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस पर मुझे कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डी ड्रीम लिखना है, ठीक है, या फिर थैंक यू डी ड्रीम, तो मैं डबल ए वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, थैंक यू डी ड्रीम, ठीक है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है, क्योंकि मुझे ये जो वर्ड है वो व्हाइट कलर में चाहिए और बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो ए वाला जो ऑप्शन है बीच में मेटल वाला है, इस पर क्लिक करूंगी, देखो बैकग्राउंड हट गया और ये वर्ड जो है वो व्हाइट कलर में आ गया। अगर इसको आपको कलर चेंज करना है ना, ये जो वर्ड है, तो इस पर आप क्लिक करके, इस पर क्लिक करके, यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे ग्रीन हो गया, ठीक है, येलो हो गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर व्हाइट चाहिए था, मैंने व्हाइट ले लिया और डन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा ऐसे स्क्रोल करूंगी और इसको यहाँ लेके आ जाऊंगी, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, एक और बार मुझे चाहिए कॉपी, इसको डन कर दिया, ये यहाँ पे सेट हो गया। इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हो, आप ट्राई करके देखो, इससे भी पोस्टर आपके बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया, फिर से एक बार डबल वाले ऑप्शन पे गई, इसको मैंने, जो मैंने पहले कॉपी किया था टेक्स्ट, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया सेम, ठीक है। फिर यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर मैं गई, इसको फिर से ऐसे स्क्रॉल किया, थोड़ा सा बड़ा किया और इसको मैं यहाँ पर लेके आ गई, थैंक यू डी जी, ठीक है। साइज एकदम देख लेना, प्रॉपर रहना चाहिए दोनों का, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ये थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, डबल ए वाले ऑप्शन पे गई, यहाँ पर सिंबल आ रहा है कीपैड पे, आप देखो नीचे सिंबल का ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे, ठीक है। यहाँ पर गई, स्टार ले लिया मैंने, तीन स्टार ले लिया, तीन या चार स्टार जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, तीन स्टार ले लिया, चार स्टार ले लिया, डन कर दिया। अब इन स्टार को भी मैं यहाँ पर बीच में ले आती हूँ, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो गाइस, इतने सारे फीचर्स हैं इंस्टाग्राम के ना, आप यूज करोगे इतने अट्रैक्टिव आपके पोस्टर्स बनेंगे, सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। ये हो गया, तो देखो पहले के पोस्टर में और अभी के पोस्टर में कुछ तो आपको फर्क लग रहा होगा, पहले एकदम सिंपल बैकग्राउंड था और अभी जो है बैकग्राउंड थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया है। अब ये बॉर्डर जो ब्लैक वाला है, इसको मेरे को थोड़ा छोटा करना है, ठीक है, यहाँ पे आया ऐसा, कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज बताइए चैट बॉक्स में, ठीक है। ये हो गया सेट, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको ये सेट करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्रेम है, फोटो है, इसको मुझे अगर फ्रेम में डालना है, और भी फ्रेम्स मुझे ऐड करने हैं इसमें, ठीक है, तो मैं फ्रेम कैसे ऐड करूंगी यहाँ पर। जैसे ये भी सिंपल सी फोटो है, इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं, मतलब जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है सिर्फ वही है, और कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट मुझे चाहिए कि मैं अपने फोटोज के चारों साइड में फ्रेम लगाऊ, तो आप फ्रेम कैसे लगाओगे, डबल ए वाले ऑप्शन पे आप जाओगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर डॉट तो आप टाइप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखो पीछे कोई फ्रेम नहीं आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बीच वाले ए पे जाओगे, इस पर लिखोगे, देखो आ गया, अब यहाँ पर ब्लैक कलर का आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर नीचे देखो फॉन्ट है, इससे आप कॉर्नर वाला स्क्वायर ले सकते हो, देखो कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नहीं ले रही हूँ मैं, ये ले लेती हूँ, ठीक है, इसको मैं स्पेस दे देती हूँ, तो ये ऐसे बड़ा हो जाएगा, डन कर देती हूँ।
अब ये जो ब्लैक कलर है मैंने किया, ऐसे मैंने जूम आउट किया, ठीक है, जैसे फोटोज बड़ी करे ना मैंने किया, इसका एक डॉट मैं कम कर देती हूँ। ठीक है, अब आप देखो इसको मैं कैसे करूंगी, एक सेकेंड में ये दूसरा ले लेती हूँ फॉन्ट, ये वाला सूट नहीं कर रहा है, ये वाला ले लिया, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है, इसको डन कर दिया। अब ये वाला मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया, सेम ऐसे ही मैं एक व्हाइट कलर का फ्रेम ले लेती हूँ, डबल ए वाले पे गई, क्लिक किया मैंने एक डॉट, और मैं यहाँ पर ब्लैक आ रहा है बैकग्राउंड, तो ये बीच वाले ए पर जाऊंगी, फिर देखो व्हाइट हो गया, डन करूंगी। अब ये व्हाइट वाले को थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ये देखो इसके ऊपर मैंने इसको जूम आउट किया और यहाँ पर ले आई, आया समझ में, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये फोटो को मैं यहाँ डाल दूंगी, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं ये फोटो को, ऐसे भी रख सकते हो आप फोटो को, या चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आया समझ में आपको फ्रेम कैसे बनाना है अपने फोटोज पर? तो सेम चीज आप यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पे मैंने का लोगो यहाँ लगा दिया, का लोगो मैंने यहाँ लगा दिया, थोड़ा छोटा। गाइस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है, अब मैं इसको लगा देती हूँ फ्रेम में, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ मैं, अरेंज नहीं है, ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड इसके ऊपर ले आई और अपनी पिक। समर, आपने ये जूम आउट कैसे किया था वो एक बार बता दो। जूम क्या मैम, आउट आपने कैसे किया था वो बता दो इनको। हाँ जैसे ये डॉट वाला जो फ्रेम है इसको, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ इसको आपने कैसे हाँ, जूम आउट किया था वो बता दो। पहले तो ए वाले ऑप्शन पे मैं गई, यहाँ पर मैंने डॉट किया, ठीक है, आपकी अब स्क्रीन यहाँ पर, स्टॉप हो गई है समर, ओ अच्छा, एक एक सेकेंड, आई थिंक आप एक मिनट रुकना, मैं पोज बनाती हूँ। हाँ ओके मैम, हाँ स्क्रीन शेयर करें। हाँ हो रही है स्क्रीन शेयर। हाँ देखो सिंपली मैंने क्या किया गाइस, हटा देती हूँ, ये ए वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, डबल ए वाला ऑप्शन, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पर कीपैड पे आप देखो एक डॉट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये मैंने डॉट यहाँ पर लिया। अब ये जो फ्रेम पीछे बैकग्राउंड जो आ रहा है ना स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ये आप यहाँ फॉन्ट से चेंज कर सकते हो, जो जो फॉन्ट पे आप क्लिक करोगे ना तो वो चेंज होता जाएगा, ठीक है, ये देखो ये चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ ना पीछे के फ्रेम चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ये लास्ट वाला अच्छा लग रहा है तो मैंने लास्ट वाला कांस्टेंट रखा है। अब उसको मुझे जूम आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं टॉप राइट कॉर्नर पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, ठीक है, ये वाला थोड़ा मैं ऊपर लेके आऊंगी क्योंकि मुझे इसको जूम आउट करना है, इस पर मैं ऐसे क्लिक करूंगी, देखूंगी मूव हो रहा है, ठीक है, तो मैं अपने फिंगर से इसको ऐसे बाहर की तरफ खींचूंगी, जैसे हम फोटो बड़ी करते हैं ना वैसे हम इसको बड़े करेंगे, ठीक है, ये ऐसे क्लियर हुआ गाइस, मैम समझ में आया ये? हाँ अभी इन लोगों को हो गया होगा क्लियर। ओके ओके मैम, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगाना है, ठीक है, इसको भी मुझे फ्रेम करना है, तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर देती हूँ, फिर मुझे एक और बैकग्राउंड चाहिए व्हाइट वाला, तो मैं डबल ए के ऑप्शन पे गई, एक डॉट लिया मैंने, डन पर क्लिक कर दिया ऊपर, अब देखती हूँ ये व्हाइट वाला, हाँ ये मूव हो रहा है तो इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ ऐसे, ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर सेट हो गया, और देखो ये अभी सूट नहीं कर रहा है ना, ये सूट नहीं कर रहा है कि मैंने ब्लैक बाहर लगाया व्हाइट अंदर लगाया, ये सूट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी इसको चेंज कर दूंगी, ठीक है, मैं ब्लैक वाले को ऊपर ले लेती हूँ, ये व्हाइट मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, व्हाइट को मैं यहाँ लगा देती हूँ और ब्लैक थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ, ठीक है, ये ऐसे,
ये देखो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये वो अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, इसको मैंने ऐसे फ्रेम बना दिया। ओके, अब यहाँ पर आप चाहो तो और क्या ऐड कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पर लोगो है, लोगो को मुझे थोड़ा सा शाइनिंग बनाना है, तो मैं स्माइली स्क्वायर पे जाऊंगी, यहाँ पर मैं टाइप टाइप करूंगी स्पार्कल। ये जो स्माइली वाला स्माइल है ना, ये मैजिक है, मैजिक। आप यहाँ से चाहो ना, जो चाहे आप यहाँ से ले सकते हो, बस आपको टाइप करना है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा वेट करना गाइस। ठीक, यहाँ पर देखो ये ले लिया, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ, और ये मैंने यहाँ पर सेट किया लोगो पर, ठीक है। बनाने ये ऐसे वाले, बाद में एक बार जब आपको क्लियर हो जाएगा ना हैबिट, तो वो हो जाएगा बराबर, आप बना बनाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इन्फिनिटी पे भी कुछ स्पार्कल्स डालने हैं, तो स्माइली वाले फिर उस पे जाऊंगी स्क्वायर पर, फिर से टाइप करूंगी स्पार्कल। ठीक है, अब यहां से कुछ ले लेती हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है, इसको पहले तो मैं छोटा कर दूंगी। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा शाइन कर रहा है, आप चाहो तो जो जो भी आपके मर्जी है आप ले सकते हो यहाँ से। ये देखो ये फोटो हिल गई। अभी जैसे आपको कोई एक चीज नहीं चाहिए यहाँ पर, कोई चीज डिलीट करनी है आपको, तो आप क्या करोगे, उस चीज को ऐसे प्रेस करोगे, और यहाँ पर देखो डस्ट, यहाँ पर बीन है, डिलीट बीन, यहाँ पर लेके आके ऐसे छोड़ दोगे, तो ये डिलीट हो जाएगा। मुझे नहीं डिलीट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाके रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है, तो क्या करोगे, डबल ए वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पर लिखोगे थैंक यू डी ड्रीम। इंडियाज हाईएस्ट पे आउट कंपनी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया, और आप चाहो तो थैंक यू फॉर लक मैम एंड कल्चर, ठीक है, आप ऐसे करके इसको आपने डन किया, थोड़ा सा इसको आप छोटा कीजिए स्क्रॉल करके, आप ऐसे प्रिंट भी कर सकते हो इसको, या तो आपको नॉर्मली ऐसे रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। आप देखो कहाँ पर आप ये सेट कर रहा है, सेट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, इसको भी आपको अगर बॉर्डर में रखना है आप रख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको कलरफुल फ्लावर्स चाहिए, तो आप सेम स्माइली वाले बॉक्स पर जाओगे, यहाँ पर आप ब्लैक फ्लावर्स ले लोगे, ब्लैक फ्लावर्स, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ, देखो कितने सारे फ्लावर्स यहाँ पर, मतलब इतना कुछ है इंस्टाग्राम पर ना, आप बस ढूंढते रह जाओगे, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर फ्लावर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला फ्लावर्स ले लेती हूँ, ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लीफ लेना चाहती हूँ ब्लैक कलर का, क्योंकि येलो बैकग्राउंड है तो ब्लैक लीफ अच्छा लगेगा, तो मैं ब्लैक लीफ ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने लिखा, सर्च किया, स्क्रोल करके मैं नीचे आ जाती हूँ, ये देखो ब्लैक लीव्स आ रहे हैं, डाउनलोड हो रहा है, वेट। इंटरनेट बहुत स्लो है, थोड़ा वेट करना गाइस, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक देखो यहाँ पर भी आ गया,
ठीक है, ये देखो अलग अलग लीव यहाँ पर निकल के आ जाएंगे, तो आपको जो अच्छा लगेगा आप यहाँ से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कॉर्नर वाला अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर ये ले लेती हूँ, ठीक है, लगा दिया। ओके, ऐसे आप थोड़ा सा इस तरीके के भी पोस्टर आप बना सकते हो, अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझो यहाँ पर आपको लिखना है अप्लाई नाउ, तो क्या करोगे, यहाँ पर आप क्लिक करो स्माइली बॉक्स पर, बॉक्स नाउ, ठीक है, आपने टाइप किया, अब देखिए यहाँ पर सारे यहाँ पर स्टिकर्स निकल के आ जाएंगे अप्लाई नाउ के। ठीक थोड़ा सा वेट करना, या तो फिर है ना आप ये भी कर सकते हो, ठीक मैं तो कुछ भी टाइप कर देती हूँ। जैसे ये आपने ले लिया, टाइप किया, नीचे अप्लाई नाउ का ले लो, अप्लाई नाउ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपने ले लिया, ठीक है, अप्लाई नाउ, ये लीफ हटा देती हूँ मैं, यहाँ कहीं एडजस्ट कर लूंगी बाद में। ठीक है, ये अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक किया, अब आपको क्या करना है, आपको आपकी जो इंस्टा स्टोरी है उसी से आपके व्हाट्सएप पे आ जाए लोग। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टोरी पे आप लिंक क्रिएट करोगे। ठीक है, लिंक आपको कैसे क्रिएट करना है व्हाट्सएप का, पहले तो आप बॉक्स पर जाओगे, मैंने बोला ना स्माइली वाला बॉक्स खजाना है, खजाना, ठीक है, यहाँ पर आप गए, ठीक है, देखो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ गए, आपको स्क्रॉल करके आप नीचे आओ, ये देखो यहाँ पर लिंक का एक ऑप्शन है ये वाला, इस पर आप क्लिक करो। अब यहाँ पर आपसे यूआरएल मांग रहा है, तो आप व्हाट्सएप लिंक यहाँ, तो जस्ट आप टाइप क्या करना है यहाँ पर, WA.me/91 जो हमारा प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद इतना आपने टाइप किया WA.ME/91, अब इस पे आपको अपना नंबर टाइप करना, 90829264 30, ठीक है, 90829264 30, ठीक है, ये आपने किया, इसको डन करना है आपको, ठीक है, ये डन हो गया। अब यहाँ पर लिंक आ गई, इसको अगर बड़ा करना है तो आप बड़ा आप रख सकते हैं। आया आपको समझ में, आया मैंने कैसे किया, लिंक कैसे क्रिएट किया, क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दो, डाउट है तो चैट को फटाफट। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेव करना है, ठीक है, ये पोस्टर आपके बन गए हैं, ये लीफ मैंने यहाँ से हटाया था, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, हो लिंक गया, वाला अब आप समर क्या करोगे, दोबारा इसको बता सेव दो कैसे करोगे। जा रहा है, ओके लिंक वाले के लिए कहाँ पे मैम, जाना है एक बताती बार हूँ, दोबारा बता देना। देखो लिंक के लिए, हाँ लिंक वाले के लिए आपको यहाँ पर स्माइली जो है, यहाँ पर स्माइली बॉक्स इस पर जाना है, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको सिंपली लिंक वाला एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर सर्च करना आप, ये देखो ऐसे ब्लू कलर का लिंक आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक करो। अच्छा मैम एक बार हो गया है ना, वो दोबारा शायद नहीं होगा, ठीक है, इस हाँ पर आप क्लिक बिल्कुल, करोगे ना तो वहां पर आपको यूआरएल का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आपको सिंपली क्या टाइप करना है, आपको देखो टाइप क्या करना है, आप चाहो तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ बता देती हूँ क्या टाइप करना है, WA.ME/91, ठीक है, /91, फिर 1 2 3 4 5 जो भी आपका नंबर है वो टाइप कर दो, हो जाएगा, ठीक है, आपका लिंक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, डन पर क्लिक कर देना आप, ये समझ। और भी चीज बताऊंगी कि और कैसे आप क्रिएटिविटी कर सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरी पर, क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरी मोटिवेशनल पोस्टर आप बना दो, गुड मॉर्निंग के आप पोस्टर बना दो, ठीक है, अब इसको आप
देखो जैसे यहाँ पर स्टोरी अपलोड हो जाएगी ना, लिंक पर अभी क्लिक करूंगी तो व्हाट्सएप पे नहीं जाऊंगी, बट जैसे यहाँ पर आपकी स्टोरी शेयर हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, किसी कोई अगर आपका स्टोरी देख रहा है और उसके व्हाट्सएप लिंक पे अगर क्लिक कर दिया ब्लू लिंक पर, तो वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे जाके करेगा। ठीक है, इसको मैं शेयर कर देती हूँ। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने इस पे म्यूजिक नहीं किया। और इसको डाउनलोड कैसे करना मैं फिर से बता देती हूँ। आप कोई भी पोस्टर बनाओ गाइस, उसपे म्यूजिक जरूर ऐड कर लिया करो। म्यूजिक नहीं तो मोटिवेशनल ट्यून आती बहुत सारी, आप वो ऐड कर लिया करो, पोस्टर आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगा उससे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं इसी पे बता देती हूँ। मैम इतना क्लियर हुआ है क्या, जरा एक बार पूछ लीजिए आप। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। देखो गाइज, आप जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज करोगे नहीं ना, आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। अब आप देखोगे आपको लगेगा हाँ, हाँ आ इसको गया है करो आप या लोग, फिर जितना कंफ्यूजन है, प्रैक्टिस करोगे लेकिन उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। देखने से आपको बस आइडिया मिल गया है, अब आप लोग प्रैक्टिस करो, एक्सप्लोर करो, ऑप्शंस में जाओ, हो सकता है और नई चीजें आपको पता लगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है मैम, मेरा नेट भी यहाँ पे स्लो है ना। मैं कोई यहाँ से बात नहीं। बता देती हूँ, देखो ये 3 डॉट वाले ऑप्शन पे आप नीचे देखो, नीचे जाके 3 डॉट वाले ऑप्शन पे जाओ। ठीक है, यहाँ से वीडियो सेव करोगे तो म्यूजिक नहीं आएगा, सिर्फ वीडियो आपको आने वाला है। तो आप क्या करोगे, कॉपी लिंक पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, कॉपी लिंक पर आप क्लिक करें। अब आप जाओ अपने क्रोम पर, क्रोम पर या गूगल पर जो भी आप यूज करते हो, आप अपने क्रोम पर गए। ठीक है, यहाँ पर न्यू टैब ले लिया आपने, यहाँ पर आप टाइप करो स्टोरी सेवर, स्टोरी सेवर इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ पर आप चाहो तो स्टोरी सेवर डॉट नेट पे जाके भी आप कर सकते हो। प्रोसेस मैं बता देती हूँ, क्योंकि अभी वहां पर डाउनलोड हुआ नहीं है तो आएगा भी नहीं और इतनी जल्दी यहाँ पर आता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपना यूजर नेम, इंस्टाग्राम आपका जो नेम वहाँ पर शो हो रहा है ना आपके प्रोफाइल पर, सेम वही नाम आपको यहाँ पर टाइप करना। ठीक है, ये यूजर नेम पर करो। ठीक है, पर क्लिक करोगे तो एक और ऑप्शन था, देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर आप क्लिक करो। ये देखो ये डाउनलोड हो रहा है, कर्सर घूम रहा है। देखो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन आप करो, मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने वहां पर सॉन्ग ऐड नहीं किया था, तो वो आप लोग कर लेना याद से। ठीक है, देखो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है तो मैं क्या करूंगी, सेव वीडियो पर भी मैं क्लिक कर सकती हूँ, या तो फिर यहाँ पर 3 डॉट्स का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगी। देखो यहाँ पर ये डाउनलोड का नोटिफिकेशन आ गया, हो गया है डाउनलोड। ठीक है, अब आप इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पे जाओगे, ये ऑलरेडी आपकी गैलरी में आ गया है। ठीक है, अब जैसे व्हाट्सएप पे जा रहे हो, व्हाट्सएप पे आप गए, यहाँ पर गैलरी में गए और इसको आपने शेयर कर दिया। सॉन्ग ऐड करना आप मत भूलना, मुझसे मिस्टेक हो गई, आप मत भूलना। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया किया, आप लोग प्रैक्टिकल करो ये सारी चीजें, प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप दूसरे सेशन में पूछ लेना। ओके, तो इतना ही था, तो तुरंत प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि आज आपने देख लिया 3 दिन 4 दिन के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर क्या होता है पता, आपके दिमाग से ना वो चीजें निकल जाती है, बेसिक बेसिक चीजें निकल जाती है, जिनकी वजह से फिर हम लोग वो काम कर नहीं पाते हैं। तो अगर आज आपने देखा है तो टाइम निकाल के आज ही के दिन इम्प्लीमेंट करके, आप एक टास्क आपको देती हूँ, आप लोग सब अपने अपने अचीवमेंट के पोस्टर बनाओगे आज, एटलीस्ट एक पोस्टर। ठीक
ठीक है, और आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है? तो हम इतना ही था। हाँ ठीक है, सब लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। बहुत ही अच्छे तरीके से समर ने बहुत न्यू न्यू फीचर्स भी बताए हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे अभी तक। सो सब लोग इम्प्लीमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच समर फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम, और विश थैंक यू यू आपका, ऑल द बेस्ट थैंक यू। एवरीवन। कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंट। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, जितना ज्यादा सीखोगे आप लोग, उतना ही आप लोग आगे परफेक्शन में आओगे, ठीक है? सो एंड करते हैं हम मीटिंग, और रिक्रूटमेंट पे भी फोकस करो सभी। गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, ऑल द बेस्ट एवरीवन। बाय बाय एवरीवन। एंड कर देते हैं समर। हाँ हाँ मैम, हाँ बाय हाँ ओके डियर, बाय थैंक यू। बाय।